करती, अगले हफ्ते आ जाती ना। वो दीदी भाई की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए 2 दिन छुट्टी कर ली और अभी इसी कारण लेट हो गया। तेरे भाई की तबीयत खराब है तो उसमें मेरी गलती है क्या? इसका भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। नहीं दीदी। नहीं तो जब तुझे बोला था कि कल टाइम पे आ जाइयो, इनको बाहर जाना है, लेकिन तेरे मोटी बुद्धि में ये बात नहीं घुसी। दीदी वो मैं आने वाली थी पर अचानक से भाई को उल्टियाँ होने लगी तो उसी में लेट हो गया। तू एक काम कर, तू जाके अपने भाई की उल्टियाँ ही साफ कर, मुझे तुझसे काम नहीं करवाना है। दीदी सॉरी, दीदी आगे से नहीं होगा। मैं तेरे पीछे दिमाग खपा खपा के एक दिन पागल हो जाऊंगी सीमा, मुझे तुझसे काम नहीं करवाना है। तू जा, तू निकल यहाँ से, यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। दीदी सॉरी। क्या हुआ राखी? कुछ नहीं। तो फिर ब्रेकफास्ट रेडी करवाओ, मुझे निकलना है। ठीक है मैं बनाती हूँ। क्यों सीमा काम नहीं कर रही? नहीं। क्यों नहीं कर रही? क्यों सीमा, क्यों नहीं काम कर रही? तो भैया मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दीदी मना कर रही है। क्यों, तुम मना क्यों कर रही हो? मुझे इससे काम नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना? ये ना एक नंबर की कामचोर होती जा रही है। मैंने इसे कल शाम को ही कह दिया था कि आपको बाहर जाना है और टाइम पे आ जाए, लेकिन नहीं आई, ये लेट ही। क्यों सीमा, क्यों लेट आई तू? वो भैया मेरे भाई की तबीयत 3-4 दिन से बहुत खराब है, इसीलिए मैंने छुट्टियां कर ली। और जब कल दीदी ने बोला कि आपको आज जाना है, भाई की तबीयत खराब होने के बाद भी मैं सुबह सुबह आने को तैयार थी, लेकिन भैया जैसे निकलने वाली थी भाई को उल्टियां शुरू हो गई, तो उसी चक्कर में देर हो गई। उल्टियां? क्या हुआ तेरे भाई को? जी भाई को फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग? जी। वो कैसे हुआ? अरे खा लिया होगा बाहर का कुछ उल्टा पुल्टा, ये लोग की जीभ तुरंत में लपलपाने लगती है, कुछ भी देख लो तो, पूरा कचरा खा लिया होगा, हो गया फूड पॉइजनिंग। नहीं दीदी बाहर का कुछ नहीं खाया था। तो फिर कैसे हुआ? वो भैया हाँ बोल। ओ भैया कुछ दिन पहले दीदी ने मटर पनीर की सब्जी दी थी, वही भाई को रोटी के साथ खिलाया। तो तू क्या कहना चाहती है, तेरे भाई की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है? तुम लोग झुग्गियों में रहते हो, गंदा संदा पानी पी लिया होगा, लेकिन नहीं, दोष तो तू साफ सुथरे खाने को ही देगी, है ना? नहीं दीदी बाहर का कुछ नहीं पिया। देख ज़्यादा बहस मत कर मेरे से, बता के काम कर, जा जा। तुम कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करें। सीमा उसी सब्जी की बात कर रही है ना जो तुमने मुझे खाने नहीं दी, ये बोल करके कि खराब हो गई है। तुम्हारा दिमाग खराब है, जो सब्जी तुमने मुझे खाने नहीं दी वो सीमा को दे दी। अनु उतनी खराब नहीं थी, बस आपके और मेरे खाने लायक नहीं थी। हमारे खाने लायक और उनके खाने लायक में क्या फर्क है राखी, जरा तुम मुझे समझाओगी? हम जब तो फ्रेश खाना खाते हैं ना, और गरीब लोगों को तो आदत होती है बासा और पुराना खाने की, तो मैंने सोचा कि खाना बर्बाद होगा, उससे अच्छा मैं सीमा को दे दूँ, और मैंने दे दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है, उसके भाई को फूड पॉइजनिंग हो गई है। गरीब है तो उसका क्या मतलब, कुछ भी सड़ा काला खाने के लिए दे दोगी? मुझे नहीं पता था उसके भाई की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी, सॉरी। सीमा, सीमा। जी भैया। इधर आ। जी भैया। ये ले 2000 रुपये और अपने भाई का अच्छे से इलाज करवा, और भी अगर कुछ जरूरत पड़े तो बता दियो, ठीक है? धन्यवाद भैया। जा करके काम कर।